हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है एनएसएस कंपनी के बारे में, यानी कि एनएसएस जॉब। ठीक है नहीं? यानी कि फ्रेंड, बहुत लोगों का, बहुत से हमारे भाई लोग जो फ्रेशर है, ठीक है ना, वो कोई कंपनी का तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन आने के लिए। तो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल मैं आज का वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड, अब मैं आपसे बता दूं कि कोई भी आज के डेट में जो भी रिक्वायरमेंट जाता है अपने इंडिया में, ठीक है ना, या इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो या नेपाल में हो या कहीं पे भी, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा मैं आपसे बता दूं कि गल्फ रिटर्नर वो लोग मांगते हैं। यानी कि कोई भी रिक्वायरमेंट आप उठा कर देख लीजिए, कोई भी असाइनमेंट पेपर में जो भी रिक्वायरमेंट निकला है जो भी अच्छी कंपनी का, तो उसमें सबसे पहले आपसे बता दूं कि गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट लिखा है। यानी कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस या 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी होना चाहिए गल्फ का। यानी कि टोटल एक्सपीरियंस 8 ईयर या 10 ईयर होना चाहिए। मैं कल ही एक वीडियो बनाया अपने बेक्टल कंपनी में, मैं हूँ बेक्टल कंपनी में सऊदी अरब में, ठीक है ना, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस टोटल मांग रहा है। यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका गल्फ का कंपलसरी है, ठीक है। तो सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंपनी के बारे में बताया जाए कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आता है जैसे कि QC है और QC अफसर है, QC इंस्पेक्टर है, सेफ्टी अफसर है, ठीक है ना, और इंजीनियर्स हैं, जो भी हमारे नए भाई लोग हैं, जो नए सब्सक्राइबर लोग हैं, जो इंडिया में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या पढ़ लिए हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं गल्फ के बारे में, यानी कि विदेश आना चाहते हैं। लेकिन कोई भी अच्छा कंपनी में वो जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो रिटर्न हो जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी या कोई भी कंपनी समझिए ज़्यादा से ज़्यादा 80-90% कंपनी गल्फ का एक्सपीरियंस मांग रही है कंपलसरी, ठीक है ना। तो आखिर में वो लोग कैसे आए विदेश, कौन सी कंपनी में जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आज इस कंपनी को लेकर आया, एनएसएस कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा कि इस कंपनी में कौन कौन लोग आ सकते हैं और इसका फैसिलिटी कैसा है। यानी कि इसका खाना पीना रहना जो भी फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, और ये कंपनी कौन कौन सा देश में इस कंपनी का काम चलता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, वीडियो ज़बरदस्त बनने वाला है। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि एनएसएस कंपनी का पूरा नाम नासिर अल हजरी कंपनी है, ठीक है ना, और आपसे मैं बता दूं कि ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, यानी कि ये इंडिया की कंपनी है, ठीक है ना। और अब एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इसमें वर्कर इंडिया और नेपाल दो ही जगह के लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है ना, तीसरा कोई कंट्री के दूसरे मतलब कंट्री के लोग इसमें नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं कि ये कंपनी का अभी 4 जगह में, यानी कि 4 कंट्री में काम चल रहा है, 4 देश में काम चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सऊदी अरब में, इसके बाद बहरीन में, इसके बाद कतर में और उसके बाद दुबई में। जी हाँ, 4 कंट्री में काम चल रहा है, सऊदी अरब, कतर, दुबई और बहरीन। और अब मैं आपसे बता दूं कि जो नया प्रोजेक्ट है वो कतर में है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं फ्रेंड आपसे बता दूं कि मैं यूं ही ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ। यानी कि इसके पहले, अभी मैं हूँ बेक्टल कंपनी, इसके पहले मैं एनएसएस कंपनी बहरीन में मैं ऑलरेडी काम किया हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी के बारे में सटीक जानकारी वही दे सकता है जो कंपनी में काम कर चुका हो या उसके अगल बगल में कंपनी हो। जैसे कि अभी मैं हूँ बासिकम में, तो यहाँ के अगल बगल में जो भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि CC है, अल्मवानी है, सीमेंस है, नेस्मा है, हाटको है, जो भी ये कंपनियाँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानता हूँ। इसलिए कि उन लोग के आदमी से, उन लोग के वर्कर से हम लोगों का मतलब बराबर भेंट होता है और बराबर जाँच पड़ताल मतलब पूछते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि हम लोग की कंपनी में वो लोग काम भी करते हैं, ठीक है ना, एक ही साथ में हम लोग डेस्क में काम करते हैं। तो हम लोग को तो इतना तो मालूम है ना, उन लोगों से बात होता है उनके वर्कर के साथ में, तो लोग बताते हैं कि हाँ इसका खाना का कैसा है, इसका फैसिलिटी कैसा है, सैलरी कैसे देती है, टाइम टू टाइम है कि नहीं, सब कुछ मालूम चलता है, ठीक है। तो मैं एनएसएस कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, मैंने काम किया हूँ, ठीक है ना, तो उसके बारे में मुझे पूरा जानकारी है, पूरा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड बता दूं कि कौन कौन सा ट्रेड का उसमें रिक्वायरमेंट चलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, यानी कि पाइप फिटर से लेकर पाइप फैब्रिकेटर, बिल्डर, आर्क, आर्गन बिल्डर, इसका भी रिक्वायरमेंट होता है, रिगर, ठीक है ना, और इसके बाद से QC इंस्पेक्टर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, मैनेजर, CM, मैंने हर पोस्ट का, जितना भी पोस्ट है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, डंप ऑपरेटर, जितना भी है, ट्रेलर, जितना भी है, बस ड्राइवर, सबका रिक्वायरमेंट रहता है। और एक चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं कि एनएसएस कंपनी कंट्रैक्टर है, यानी कि प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है ना, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर जगह, यानी कि सऊदी में भी है तो इसका 10-20 हज़ार मेन पावर है, बहरीन में भी 10 हज़ार
मेन पावर है, और दुबई में भी ऐसे ही मेन पावर है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला है वो है कतर के लिए। आप लोग देखते होंगे कि बराबर इसका रिक्वायरमेंट चलता है। इंडिया में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है, आपसे मैं बता दूँ कि दिल्ली मुंबई से लेकर लोकल एरिया जो जैसे देवरिया है, बलिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, पडरावना है, कोई भी ऐसा सिटी नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट नहीं चलता है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा पैसा भरने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब हम ज़्यादा पैसा नहीं है नहीं भर कर जाएं, तो आप 40,000-35,000 रुपये भर कर ये कंपनी में आ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मुंबई, ठीक है ना। मुंबई में इसका ऑफिस एक दो ऑफिस है, एक है मल्टीलिंक ऑफिस और एक है एशिया पावर ऑफिस, ठीक है ना, बिजोला कॉम्प्लेक्स। ये दो ऑफिस में हमेशा इसका रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना। ये सब ट्रेड का पाइप फिटर, बिल्डर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, क्यूसी, इंजीनियर, ये सब का बराबर रिक्वायरमेंट, फोरमैन, चार्जेंट, इसका बराबर रिक्वायरमेंट रहता है। और जो भी हमारे भाई लोग कोई मतलब नहीं होता है कि अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, कोई अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक ही बार में आपको बहुत अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, और इनएसएच कंपनी उतना खराब भी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक्सपीरियंस अपना बनाने के लिए और फ्रेशर भाइयों के लिए ही कंपनी है, यानी कि ये कंपनी फ्रेशर को भी उठाती है। अगर आप नए हैं, इंडिया में काम किए हैं और चाहे पढ़े लिखे हैं, तो डायरेक्ट ये कंपनी में आ सकते हैं। सुपरवाइजर में आ जाइए, चाहे फोरमैन में आ जाइए, चाहे चार्जेंट में आ जाइए, चाहे मैकेनिक में आ जाइए, चाहे इलेक्ट्रिकल में आ जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट में आ जाइए, और सैलरी भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है, यानी कि देती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आता है कि हम सेफ्टी अफसर है, चाहे हम ट्रक ड्राइवर है, चाहे क्रेन ऑपरेटर है, चाहे क्यूसी इंस्पेक्टर है, कोई जॉब के बारे में बताइए, कोई कंपनी के बारे में बताइए। तो भाई आपसे हम क्या बताएं, हम आप ही लोग का तो हेल्प करने के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, कि जो भी हमारे नए भाई हैं, जो भी गरीब भाई हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो भी अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, गोल्फ में आना चाहते हैं, तो उन लोग कैसे आए, कम पैसा भर के कैसे आए, फ्री में कैसे आए, जिनके पास पैसा नहीं वो कैसे आए, ठीक है ना। तो स्पेशल इसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर आप फ्रेशर है, यानी कि गोल्फ में आप नहीं रहे हैं, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन अगर काम नहीं भी किए हैं, ठीक है ना, अगर आना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, तो इनएसएच कंपनी में आप आकर अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं, और ये कंपनी फ्रेशर को उठा लेती है। और शुरू शुरू में स्टार्टिंग में ये मत देखिएगा, अगर थोड़ा कम भी सैलरी दी तो आप चले आइएगा, ठीक है ना। ये कंपनी में एक साल दो साल काम कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एक्सपीरियंस लेटर जो मिल जाएगा, जिस पर मोहर रहता है, वो एक्सपीरियंस लेटर का महत्व रहेगा। पासपोर्ट पे जो मोहर लग जाएगा, यानी कि दो साल आप काम किए, उसका महत्व रहेगा, ठीक है ना। आप कोई भी ट्रेड से आएंगे तो चाहेंगे तो उसमें ट्रेड हटा के दूसरा ट्रेड लगा के भी फिर दोबारा दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग करके, और जिसके मान लीजिए फिटर में आए हैं फिर फोरमैन में आ जाते हैं, ठीक है ना, ट्रेड चेंज करते हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप गोल्फ का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये कंपनी चुन सकते हैं, और चूँकि रह गया इसका रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है, तो इसमें आसानी से आप आ सकते हैं। जैसे सऊदी में भी इसका रिक्वायरमेंट चलता है, बहरीन के लिए भी चलता है, कतर के लिए भी चलता है, और दुबई के लिए भी, अभी हर जगह के लिए रिक्वायरमेंट इसका चल रहा है, ठीक है ना। मैं बराबर इस चेक देखता हूँ तो हमेशा इसका रिक्वायरमेंट चलता है। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड कि इसका रहना, खाना पीना ये कैसा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ खाने का बात, तो अब मैं आपसे बता दूँ कि फ्री फूड है, यानी कि खाना कंपनी का है, आपका खाना नहीं है, कंपनी खाना देती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी मैं हूँ बेक्स कंपनी में, बेक्टल में, यानी कि हम लोग का बेक्स का खाना है 3cc का, इससे लाख गुना अच्छा खाना देती है रिसर्च कंपनी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखाया, वीडियो भी डाला हूँ, समझ लें सुबह में हम लोग को दाल और रोटी केवल मिलता है, लेकिन वहाँ पे अंडा उंडा सब मैंने अलग वेराइटी है, समझ लें, इससे खाना बहुत बेटर है, समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं देखिए जो रियल रहता है बात ना, मैं स्पष्ट आप लोग से बताता हूँ, ठीक है ना। और जो भी लोग को मालूम नहीं होगा, 3cc का खाना सर्च कर लीजिए, सऊदी में देख लीजिए कैसा खाना है, वही खाना हम लोग खा के जी रहे हैं, ठीक है ना। और इनएसएच का खाना इससे बहुत बेटर है, समझ लीजिए, तो कंपनी का खाना है, ठीक है ना, फ्री फूड है। अब रह गया फ्री अकाउंटेशन, यानी कि जो भी रूम का फैसिलिटी है, रूम का चार्ज है, रूम का भाड़ा है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी देती है, आपका पैसा से नहीं कटता है, यानी कि फ्री अकाउंटेशन है। और उसमें जिम का भी व्यवस्था है, प्ले ग्राउंड है, बड़ा बड़ा टीवी है, इतना तो व्यवस्था यहाँ पे भी नहीं है। और जो लोगों, जो भाई लोग का यकीन नहीं होगा कि कैसा फैसिलिटी देती है, ये केवल ऐसे ही बोल रहे हैं, तो देख लीजिए हमारा वीडियो, मैं बहुत वीडियो में बनाकर डाला हूँ, बड़ा बड़ा
टीवी, बड़ा बड़ा प्ले ग्राउंड में टीवी प्रोजेक्टर लगा कर रखती है। आप आइए ड्यूटी से और टीवी देखिए। बस का फैसिलिटी वैसे ही, नहाने धोने का फैसिलिटी ज़बरदस्त, खाने का भी, कितना लेट में भी जाइए अगर खाना खत्म हो जाएगा तो बना कर खिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ जैसा नहीं है कि एक दिन हम लोग गए सेवई बनाया था और गए, जैसे गए 20 मिनट के बाद तो बोल रहा है कि सेवई खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं जो बात रियल रहता है मैं वो बात आप लोग से स्पष्ट बताता हूँ। तो ये हो गया अकोमोडेशन का बात। और रह गया ट्रांसपोर्टेशन, वो भी कंपनी का है, यानी कि फ्री है, आपको अपने गाड़ी भाड़ा मतलब आपका भाड़ा नहीं लगेगा, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी बस जो भी जाना है। अब उसके बाद से है कि मेडिकल, यानी कि वो भी कंपनी का है, हॉस्पिटल जो भी जाएंगे आपका दवा बीरो का जो भी खर्चा लगेगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग हैं, ये स्पेशल फ्रेशर के लिए ही कंपनी है। जो नहीं सोचते हैं कि हम अब गल्फ में जाए अपना एक्सपीरियंस बनाइए, तो भाई ये कंपनी में एक आ जाइए, ठीक है ना। जो भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों का हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचते रहेंगे कि अच्छी कंपनी में एक ही बार जाए, हुंडई में जाए, साइपन में जाए, बेक्टल में जाए, तो आप एक ही बार नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप बेक्टल में आना चाहते हैं, साइपन में आना चाहते हैं, हुंडई में आना चाहते हैं, टेकफिन में आना चाहते हैं, क्यूकोन कंपनी में आना चाहते हैं, डिस्काउंट कंपनी में आना चाहते हैं, तो आपको गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक कोई कंपनी में काम नहीं किए होंगे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, तब तक ये कंपनी का सपना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब सोच रहे हैं कि साइपम में आ जाएंगे डायरेक्ट फ्रेशर होके, यानी कि इंडिया में काम किए हैं, डायरेक्ट साइपम में आ जाए, डायरेक्ट बेक्टल में आ जाए, तो छोड़ दीजिए इसका सपना देखना, क्योंकि ये कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, वो भी 3-4 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस मांगती है, वो लिखा रहता है। अब सोच लीजिए हम लोग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तब जाकर हम लोग आए हैं, ठीक है ना। उसमें भी इंटरव्यू कोई नॉर्मल नहीं होता है, जो इंटरव्यू देकर आया उसको मालूम है 2-3 बार इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। और अब रह गया सैलरी का, तो फ्रेंड एनएसएच कंपनी में सैलरी आपको 15 तारीख से 20 तारीख तक आ जाता है, यानी कि मिल जाता है, कोई लेट भी सैलरी नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। 15 से 20 तारीख के दूसरे महीने में सैलरी डाल दे रहे हैं, तो कोई लेट थोड़े नहीं है, ठीक है। और जो लोग भी हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर दूसरे वीडियो पर एनएसएच कंपनी सर्च कीजिए और हमारा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिए, मैं पूरे उसका डिटेल बताया हूँ, ठीक है ना, कि कंपनी कैसी है और फ्रेशर के लिए स्पेशलिस्ट अच्छी है। तो फ्रेंड वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।